अक्टूबर 21, 1978 एक युवक पलो जिसका नाम है फ्रेडरिक वैलेंटिक शाम के टाइम एक रेंटेड सीजना 182 नामक प्लेन को विक्टोरिया की मोराबिन एयरपोर्ट से किंग आइलैंड जाने के लिए उड़ान भर चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद वैलेंटिक को पता चला कि प्लेन के ऊपर एक स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट घूम रहा था। तभी वो ATC से संपर्क करके ATC को पूरे बात बता रहा था। पायलट के कम्युनिकेशन द्वारा हम जान पाए कि पायलट बता रहा था एक बड़ा विमान है 5000 से नीचे कम से कम 1000 फीट ऊपर मेरे ऊपर से गुजरा। ये अभी पूर्व की ओर से मेरी ओर आ रहे। उन्होंने दावा किया कि दूसरे विमान पूरी तरह से स्थिर था। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि ये उनके प्लेन के ऊपर परिक्रमा कर रहा था। फिर उन्होंने एक रैप साउंडिंग इंजन की सूचना दी और ट्रांसमिशन खो गया और एक जोरदार मेटलिक साउंड के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद बहुत दिन तक सर्च ऑपरेशन चला गया, ना तो वैलेंटिक मिला और ना ही उसका प्लेन। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना और ऐसे फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।